सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी से मिलने पहुंचे बीजेपी के नेता और भोजपुरी सुचार मनोज तिवारी जी। हाँ, मनोज तिवारी उनके पिताजी से मिलने तो गए, साथ ही साथ आपको ये बता दे, मनोज तिवारी ने उनके पिताजी से काफ़ी देर तक बात की और हर पहलुओं पे बात की कि किस तरह सुशांत सिंह राजपूत किस फ्रस्ट्रेशन में थे या किस तरह की उनके हालात है इस समय। सारी बातें मनोज तिवारी को सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने बताई और फिर जैसे ही उनके घर से वो निकलकर बाहर आए वैसे ही मीडिया ने उन्हें घेर लिया और मीडिया ने कई ऐसे सवाल मनोज तिवारी से किए। उसका जवाब देते हुए मनोज तिवारी ने ये कहा, इस मामले की जाँच अब CBI करेगी, क्योंकि यहाँ मनोज तिवारी ने ये कहा है कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को एक लेटर लिखा है और उसमें ये अपील की है कि इस मामले की जांच अब CBI करे, क्योंकि इस मामले में आए दिन जो नए खुलासे हो रहे हैं उसे लेकर मनोज तिवारी वो काफ़ी स्तब्ध हैं। उनका ये कहना है कि हाँ, जिस तरह का फेस सुशांत सिंह ने अपने कैरियर में देखा है उसी तरह का फेस मैंने भी देखा है, उसी तरह का रिजेक्शन मैंने भी देखा है, लेकिन किस तरह से उनकी मनोस्थिति थी, किस तरह से उन्होंने ये कदम उठाया, इस पर भी जाँच होनी चाहिए और इसकी जाँच ज़रूर होकर रहेगी। के पहले खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह और गुंजन सिंह सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी से मिलकर जा चुके हैं और उन्हें सांत्वना दी है और उम्मीद जताई जा रही है कि पवन सिंह और दिनेश लाल यादव निरहुआ भी जल्द ही आकर सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी से मिल सकते हैं। लेकिन यहां मनोज तिवारी का सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी से मिलना बहुत ही बड़ी बात है। जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी उसके एक दो दिन बाद ही मनोज तिवारी ने अपना एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि बिहार का एक बहुत ही होनहार और बॉलीवुड का एक बड़ा सुपरस्टार, आगामी वक्त में आने वाला एक बड़ा सुपरस्टार कैसे ये दुनिया छोड़कर चला गया। कि अब मनोज तिवारी जब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मिलकर आ गए हैं तो इस केस में और भी कई आयाम जुड़ सकते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।